हे देयर, दिस इज़ प्रांश वर्मा और स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर। देखो, एडवांस के क्वेश्चन वही बात हुई है, फिर से इकट्ठे नहीं कर पाया पिछले चैप्टर की तरह। ठीक है, तो करा दूंगा यार, टेंशन क्यों ले लो। अगला चार्ज, अगला जो आपका चैप्टर है वो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टरों में से एक, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो ये जो चैप्टर है, हालांकि मैं जितना भी पढ़ा ही रहा हूँ पिछले महीने से आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल कैपेसिटर्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, अब नाउ दिस मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, एंड देन मैग्नेटिज्म आएगा, ओके, और फिर आपका अल्टरनेटिंग करंट, सेमीकंडक्टर, सब इम्पोर्टेंट है। कुछ भी इम्पोर्टेंट ऐसा नहीं कह सकता कि भैया मैं इसमें ये चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है भैया, सब कुछ इम्पोर्टेंट है। ठीक, आप देख पा रहे हो छोटी छोटी चीज़ों से भी क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो आपको बस क्या करना है, हर चीज़ को डीपली समझना है। ये नहीं सोचना कि नहीं 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 ये इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं नहीं इसको छोड़ दो, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भैया। हर चीज़ का महत्व है, हर चीज़ की इम्पोर्टेंस है इन चैप्टरों में। इसीलिए ये जो चैप्टर्स हैं, अब ये बढ़ा रहा हूँ मैं, इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये थ्योरी, ये जो पोर्शन है फिजिक्स का, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो आपको इस पे ज़्यादा ध्यान देने हैं। अभी बेसिक ही स्टार्ट हो रहा है आज। आज हम पढ़ेंगे एक, ये पढ़ेंगे एक भैया, मूविंग चार्जेस इफेक्ट पैदा करते हैं मैग्नेटिज्म का। क्या पैदा करते हैं? मैग्नेटिज्म का इफेक्ट पैदा करते हैं। ओके, उसके लिए एक बारी एक्सीडेंटली, मैं बताऊँ आपको, एक्सीडेंटली जो है, हमारा एक साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट क्या बोलो, एक्सीडेंटली बोलूँगा तो इसलिए वो प्रोफेसर था वैसे तो एक, ठीक है, टीचर था मेरी तरह, ठीक है, और ही वॉज परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट विद अ वायर, एमीटर, बोल्ट मीटर वगैरह को लगा के, कुछ रेजिस्टेंसेस लगा के वो एक परफॉर्म कर रहा था, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट अपने स्टूडेंट्स के सामने। ओके, ये उसका सर्किट रहा होगा, कुछ भी रहा होगा, मुझे क्या पता क्या कर रहा था वो, व्हीट स्टोन ब्रिज बना रहा था, क्या बना रहा था, ठीक। फिलहाल ये मुद्दा है हमारा कि ही वॉज परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट विद करंट, ठीक है, मेन मुद्दा क्या है, करंट। ओके, तभी उसके पास एक मैग्नेटिक नीडल रखी थी उसी टेबल पे, ठीक है, एट द सेम टेबल देयर वॉज अ मैग्नेटिक नीडल प्लेस्ड, ठीक, ओके। चारों तरफ उसके बच्चे, मतलब उसके स्टूडेंट खड़े थे चारों तरफ, वो एक तरफ खड़ा होके वो एक्सपेरिमेंट करा रहा था भैया, है ना। तो उसने भी नहीं देखा, उसने भी नोटिस नहीं करा, उसका एक स्टूडेंट था, उसने नोटिस किया कि जैसे ही इसमें उसने करंट फ्लो कराई, सॉरी ऐसे फ्लो करी, जैसे ही उसमें सर्किट में करंट फ्लो कराई, ऑस्टिन ने मैग्नेटिक नीडल थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर गया, ठीक, टेढ़ा हो गया, सीधा था, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होके टेढ़ा हो गया, ठीक। उसने ये बताया अपने सर को कि सर जी ई होइत बा, का करे, ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ऑस्टिन ने उसे धमकाया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, एक्सपेरिमेंट पर ध्यान दे। ओके, फिर वो एक्सपेरिमेंट करने लगे, लेकिन करंट की जैसे ही अमाउंट बढ़ी, डिफ्लेक्शन थोड़ा सा और ज़्यादा हो गया। ऑस्टेड को फिर से बोला उस स्टूडेंट ने कि सर ऐसा हो रहा है, फिर से हो रहा है, देखो अब थोड़ा सा डिफ्लेक्शन और ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो आप जब, जैसे आप लोग स्टूडेंट लोग जब एक दो बार बोलते हो तो टीचर का ध्यान चला ही जाता है वहाँ पे, है ना। हाँ, पहली बार में तो ये लगता है कि नहीं नहीं वो ऐसे ही दिमाग भटकाने के लिए कह रहा है, मजाक कर रहा है। तो इसीलिए, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं कि भाई वायर जो है ना
मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा कर सकता है। ओके, तो इसीलिए ऑस्टेड ने ध्यान दिया उस पर। उसने कहा अच्छा ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं करंट को इंक्रीज कर देता हूँ, देखो क्या होता है। उसने करंट को इंक्रीज कर दिया, डिफ्लेक्शन और ज़्यादा हो गया, और ज़्यादा हो गया डिफ्लेक्शन। अब उसने भी नोटिस किया कि नहीं 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 ये तो कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत जीरो करी करंट को, करंट जैसे ही जीरो कर दी, डिफ्लेक्शन जीरो होके जहाँ पे था वहीं आ गया, मैग्नेटिक नीडल सेम अपनी पोजीशन पे आ गया। अब ये था उनके लिए चमत्कार, ये था उनके लिए चमत्कार। ओके नाउ, अब ऑस्टेड ने अपना दिमाग लगाया, स्टूडेंट को भेज दिया घर पे, तुम जाओ घर पे क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला इस एक्सपेरिमेंट से। ओके, कोई फ़ायदा तुम्हें नहीं होगा, मुझे ही होगा। ऑस्टेड ने दिमाग लगाया और बैठा इस पे, इस एक्सपेरिमेंट को वो खुद करने लगा। ओके, वो खुद करने लगा। ओके, अब देखो उसने कुछ एक्सपेरिमेंट फ्लो करे, क्या नाम, एक्सपेरिमेंट करे, ठीक है, जैसे कि करंट बढ़ाई, करंट बढ़ाई, डिफ्लेक्शन बढ़ गया, ठीक है। उसने करंट डिक्रीज की तो डिफ्लेक्शन भी क्या हो गया, डिक्रीज, डिफ्लेक्शन भी क्या हो गया, डिक्रीज। करंट जीरो करी, डिफ्लेक्शन भी जीरो हो गया, ठीक है। उसने करंट अपोजिट कर दी, अपोजिट करने का मतलब आप समझ रहे हैं, डायरेक्शन चेंज कर दी करंट की, तो डिफ्लेक्शन भी क्या हो गया, अपोजिट, ठीक। मतलब पहले इधर घूम रहा था, करंट की डायरेक्शन चेंज करते ही इधर होने लगा, समझ में आया। तो अब उसको पता चल गया ऑस्टेड को कि भैया ये तो काम करंट ही कर रही है और कोई नहीं कर रहा, क्योंकि उसने वोल्टेज बढ़ा के करने की कोशिश की लेकिन उससे कोई खास नहीं हुआ। करंट कांस्टेंट रख के वोल्टेज बढ़ाई, वोल्टेज बढ़ाने और करंट कांस्टेंट रखने का मतलब है रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया होगा उसने। ओके, तो ऐसा करके भी करने की कोशिश की लेकिन तब डिफ्लेक्शन जीरो रहा। ओके, उसने क्या कहा, करंट कांस्टेंट, वोल्टेज इंक्रीज और रेजिस्टेंस इंक्रीज, ये करा, ठीक है, लेकिन डिफ्लेक्शन भी कांस्टेंट रहा। डिफ्लेक्शन भी क्या रहा, कांस्टेंट। ओहो, ये तो दिमाग लगाने वाली बात हो गई कि केवल और केवल करंट का खेल है, वोल्टेज का खेल नहीं है, और किसका खेल नहीं है, रेजिस्टेंस का खेल नहीं है, है ना, करंट का खेल है। किसका खेल है, करंट का खेल। ओके, अब यहाँ से उसने थोड़ा सा दिमाग लगाया और हमें उससे पहले, उसके एक्सपेरिमेंट से पहले ये क्या नाम जो है नॉलेज आ चुकी थी साइंस में, ये इन्वेंशन डेवलपमेंट हो चुका था कि भैया इलेक्ट्रॉन्स या कोई भी चार्ज, मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करते हैं। क्या पैदा करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। यदि मैं ये प्रोड्यूस यहाँ बीच में लिख देता तो सेंटेंस में करते हैं लगाने की जरूरत ना पड़ती। ओके, तो मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट, ये पता चल चुका था। अब उसको ये लिंक करना था इस सेंटेंस से कि भैया ये करंट जो चल रही है और मूविंग चार्जेस, उसको लिंक कर दूँ तो मैं क्लियर हो जाऊँगा। तो उसका दिमाग थोड़ा सा चला, ठीक है, उसने देखा कि करंट यदि वायर में फ्लो कर रही है दैट मीन्स अपोजिट में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होगा। बोलो हाँ या ना, हाँ ही बोलने का ऑप्शन है, ना तो बोलने का ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब अपोजिट में कौन फ्लो कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन, और यदि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इफ देयर इज एन इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग अपोजिट इन डायरेक्शन विद करंट, ओके, इसका मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज ही तो है, और चार्ज फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक इफेक्ट तो आएगा ही, आएगा ही, आएगा।
आ गया क्या भाई? चाचो आ गया क्या? आ गया। ये उसने पूरा कॉन्सेप्ट निकाल के प्रस्तुत कर दिया, समझ में। यहाँ से आया कि भैया करंट भी मैग्नेटिक इफेक्ट देती है, समझ में आया? क्लियर है? ये ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट था। इट वॉज द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय द ऑस्टेड एंड कंक्लूडेड बाय द ऑस्टेड दैट इलेक्ट करंट फ्लोइंग इन अ नेकेड वायर, ओपन वायर, ओके, नॉन प्रोटेक्टिव वायर, मतलब जिस पे रबड़ की कोटिंग ना हो, वायर नंगा होना चाहिए, ठीक है? तो दैट वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है? क्योंकि देखो मैग्नेटिक नीडल यदि है आपके आसपास तो वो केवल और केवल मैग्नेटिक फोर्स से ही डिफ्लेक्ट करता है, उस पर कोई और फोर्स नहीं लगता है। आपको सब पता है ये चीज़, पता है कि नहीं पता है? आपको सबको पता होगा ये चीज़ कि केवल और केवल मैग्नेटिक फोर्स ही मैग्नेटिक नीडल पे काम करता है, ठीक है? तो यहाँ से ये भी बात थी कि वो क्यों हिला, क्योंकि उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगा था। अच्छा, उसने एक काम और भी करा था, एक चीज़ उसने और भी करी थी कि वायर था, वायर के पास ले आया मैग्नेटिक नीडल को, तो डिफ्लेक्शन इंक्रीज हुआ, वायर से दूर ले गया, वायर से दूर ले गया तो डिफ्लेक्शन डिक्रीज हो गया। ये भी करा था उसने, ठीक है? और एक काम और करा उसने, इसके चारों ओर गोल गोल घुमाया भी, सेम रेडियस में, जैसे यहाँ रखा है ना, सेम रेडियस में गोल गोल घुमाया इसके चारों ओर, तो देखा कि चारों ओर घुमाने से डिफ्लेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है? फिर यहाँ पे लेके आया, इस पॉइंट पे देखा यहाँ पे इतना डिफ्लेक्शन है, ओके। फिर यहाँ पे गोल गोल घुमाया तो पूरी सरकमफ्रेंस पे, ये गोल गोल सरकमफ्रेंस पे डिफ्लेक्शन में चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब पूरी सरकमफ्रेंस पे मैग्नेटिक फोर्स क्या है, सेम है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही है, समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है भाई? और आप 10th में पढ़ चुके होंगे मैग्नेटिक फील्ड, तो आपके पास ज़्यादा डाउट नहीं होगा उसके लेके कि मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही है वायर के चारों ओर, वो छल्लेदार बन रही है, क्योंकि उसकी पर पेरीफेरी पे, सरकमफ्रेंस पे मैग्नेटिक फोर्स सेम है, हर जगह सेम है। यदि मैं रेडियस बढ़ा दूंगा तो फिर सेम हो जाएगा पूरी सरकमफ्रेंस पे, लेकिन अलग होगा। और जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूँ वैसे वैसे फोर्स कम होता जा रहा है, ये एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है? क्लियर है? ये सारे एक्सपेरिमेंट हमें जब हम क्या नाम, अरे नाम याद नहीं आ रहा, अभी तो नाम याद था, करेंगे एक एक्सपेरिमेंट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड पे, ठीक है? तो क्या नाम जो है उसमें काम आएगा, ओके। साइंटिस्ट लोगों का नाम याद नहीं आ रहा, मैं उनको बता दूँगा, बता के आ दूंगा जब आना होगा, वो डेरिवेशन करवाना होगा तो हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू एल ऐसे करके, ठीक है? चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को, चैप्टर में स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ऑन मूविंग चार्ज यहाँ से स्टार्ट करते और इसको डीपली स्टडी करेंगे, उसके बाद लेंज़ लॉ पढ़ेंगे, ठीक है? लॉरेंज लॉ, सॉरी, ठीक है, लॉरेंज फोर्स पढ़ेंगे, ठीक है? क्लियर है? चलो देखिए जरा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन है मूविंग चार्ज, याद रखना मैग्नेटिक फोर्स हमेशा किस पे लगेगा, मूविंग चार्ज पे लगेगा और किसी पे नहीं लगेगा, ओके। चार्ज को मूव रखना पड़ेगा, चलिए खैर छोड़िए। और प्रोड्यूस भी मैग्नेटिक फोर्स कौन कर सकता है, केवल मूविंग चार्ज, और कोई नहीं कर सकता। नाउ लेट्स सी कि भाई देयर इज अ चार्ज, ठीक है, देयर इज अ चार्ज, मैंने उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ओके। ये लो, इसके बीच में भी है लेकिन थोड़ा सा मैं साफ रखने के लिए फिगर को दूर दूर बनाती, ओके। हमने इसको रखा, हमने इस पर स्टडी की और पाया कि इस पर मैग्नेटिक फोर्स है जीरो, मैग्नेटिक फोर्स है जीरो, ओके। अभी रुक जाओ यार, अभी अभी थम जाओ, थम जाओ क्रेक, ठीक ना? हमने क्या किया,
हमने इसको मूव कराया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, क्योंकि कह रहे हैं ना भाई, सब लोग कह रहे हैं अभी कि क्या भैया मूव कराओगे तो ही मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ओके ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की अलाइनमेंट डायरेक्शन में हम मूव करा देते हैं। कराएं, स्टडी किया, मैग्नेटिक फोर्स जीरो। यार अब तो मूव भी करा दिया, अब क्यों आ रहा है जीरो? चलिए एक काम करा, अपोजिट ले गए, अपोजिट ले गए तब भी देखा जीरो, हो क्या रहा है यार? चलो ठीक है, एक आदमी आया, उसने कहा अरे गधो यार तुम, इसको परपेंडिकुलर ले जाओ ना, परपेंडिकुलर ले जाओ इसको, नहीं हो रहा था ऐसे, एक बार ऐसे भी कर लो। ठीक है, ऐसे कर लिया, स्टडी करा मैग्नेटिक फोर्स, ओ भैया आ गया, आ गया क्यू इंटू वी इंटू बी, क्यू इंटू वी इंटू बी, समझ में आया? नहीं आया, नहीं आया, ये एक्सपेरिमेंट था। ये क्या था? एक्सपेरिमेंट कि भैया हम यदि ऐसा ऐसा करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स इतना आएगा, यदि ऐसा करेंगे तो इतना आएगा। ओके, कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए और कंक्लूजन निकाला गया कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है चार्ज के, और वो प्रोपोर्शनल है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के। क्रॉस प्रोडक्ट, अगेन इट कम्स, व्हाई इट कम्स, व्हाई ओ व्हाई, व्हाई 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 ओ व्हाई। ओके, कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नहीं लगा यहाँ पे, ये वैल्यू एकदम इक्वल थी। ओके नाउ इफ आई वांट टू गेट इट्स मैग्नीट्यूड देन आई गेट क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट आ गया है। इसका मतलब इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? हमेशा v और b के हमेशा कैसी होगी? परपेंडिकुलर। क्या होगी? हमेशा कैसी होगी? परपेंडिकुलर। ओके क्लियर है? कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए, है क्या? चलिए बात है, अब इस फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालें? यहाँ से प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम है कि इस फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालें। तो इसके लिए हमारे पास है राइट हैंड थंब रूल, हमारा राइट हैंड लो। ओके नाउ पुट इट दिस थिंग, यार ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होगा, यार वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे लाऊं मैं? हाँ ऐसे आ जा रही है। ओके तो क्या करो, पुट योर पाम इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके कर्व योर फिंगर्स टूवर्ड्स द वॉल वेलोसिटी एंड द थंब विल डायरेक्ट यू, द थंब विल डायरेक्ट यू टूवर्ड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? कर्ल योर फिंगर टूवर्ड्स द वेलोसिटी, वेलोसिटी विल रिप्रेजेंटेड बाय योर फिंगर्स, पाम विल रिप्रेजेंट योर मैग्नेटिक फील्ड, देन द थंब, थंब, थंब विल डायरेक्ट यू द द द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर, क्लियर है? चले देखो अब लिखना क्या है इसमें, आप लोग सोच रहे होंगे क्या लिखने हैं, क्या कुछ समझ में तो आया नहीं रहा लिखने के लिए, वैसे तो सब समझ में आ गया। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, ओके तो यहाँ से लिख लो, इफ यू लेट अ चार्ज, अ टेस्ट चार्ज, क्यों टेस्ट चार्ज में बोल रहा हूँ? क्योंकि यदि मैं इसको चार्ज को टेस्ट चार्ज नहीं रखूँगा और इसको मूव कराऊंगा तो इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, है ना, है ना, तो वो मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कट करेंगी, कम करेंगी, रिड्यूस करेंगी, है ना, नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी। इसीलिए हमने बहुत छोटा चार्ज रखा है, ये बहुत छोटा, ताकि ये इस पर कोई ज़्यादा खास फर्क ना पड़े, समझ में आया? इस पर कोई खास ज़्यादा फर्क ना पड़े। ओके इसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक है, बहुत ही वीक है। ओके इसीलिए लेट जूम, यहाँ पे भी क्यों नोट डाल दो यार, क्यों नोट डाल दो, क्यों नोट, राम जी की दुआ से। ओके लेट्स लेट ए टेस्ट चार्ज, ठीक है चलो लेट ए टेस्ट चार्ज, क्यों नॉट,
मूविंग विद अ वेलोसिटी वी बाय मेकिंग एन एंगल थीटा, चलो विद द बैला चाहो विद मैग्नेटिक फील्ड विद द मैग्नेटिक फील्ड देन मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज विल बी ठीक हो गए उतार लिया उसके आगे लिखना फिर द डायरेक्शन ऑफ एफ बी कैन बी डिफाइंड बाय द राइट हैंड थंब रूल ओके इन विच पाम रिप्रेजेंट्स पाम विल रिप्रेजेंट बी ठीक है कर्ल्ड फिंगर वीक वेक्टर देन थंब विल शो एफ पी क्लियर ये सब राम कहानी में लिखने की क्लियर हो गया अब देखो इसको स्टडी करना है इसको अपने को थोड़ा सा डीपली स्टडी करना है हो गया काम खत्म करो ओके चलो इस फॉर्मूले को देखो जहाँ पे भी अपन लोग साइन थीटा कॉस थीटा आ जाता है मैं हमेशा उसको क्या नाम केसेस लाता हूँ है ना शायद नहीं पता आपको क्योंकि आप शुरुआत से नहीं पढ़े लेकिन हमेशा केस आते हैं उसमें जब आप जैसे बी इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा ओके नाउ लुक एट द फॉर्मूला ओके और थीटा के ऊपर बात करते हैं थीटा इक्वल टू जीरो एफ बी इक्वल टू जीरो थीटा इक्वल टू 180 देन ऑल्सो एफ बी इक्वल टू 0 दैट मीन्स देर इज नो एफ बी मतलब मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन अ मूविंग चार्ज व्हेन इट इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन टू द क्या फील्ड भाई ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का ही तो एंगल है ना तो यदि वो जीरो एंगल पे है इसका मतलब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है दोनों सेम डायरेक्शन और यदि वो अपोजिट है इसका मतलब वेलोसिटी इधर है मैग्नेटिक फील्ड इधर है बीच का एंगल 180 है एट दिस मोमेंट एंगल विल बी जीरो क्योंकि सेम डायरेक्शन है अपोजिट में 180 होता है आपको पता होगा ये है ना दोनों ही केस में मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा हमेशा जीरो होगा कितना होगा जीरो होगा इसका मतलब कोई फोर्स नहीं लग रहा वाह
नाउ हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अंदर हैं, हम सब वी आर सपोजिंग दैट वी गेट मैग्नेटिक फोर्स, वी आर गोइंग टू बी इन द मैग्नेटिक फोर्स, बट देर इज नो मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, हम पूरी तैयारी करके बैठे हैं, तलवार भाला सब लेके बैठे हैं कि आएगा दुश्मन, दुश्मन तो आया ही नहीं, दुश्मन तो हमारी साइड हो गया कि चलो भाई चलो चलो चलो, कहाँ है दुश्मन, है ना, कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगा उस मोमेंट पे। इवन दो आर पार्टिकल इज मूविंग, पार्टिकल इज मूविंग बट देर इज नो मैग्नेटिक फोर्स। यही है मैग्नेटिक फोर्स के अपने नखरे हैं, ऐसा नहीं है वो हमेशा लगेगा, वो हमेशा नहीं लगेगा, उसको चार्ज तो चाहिए, मूविंग भी चाहिए, लेकिन 0 या 180 पे नहीं चाहिए। ठीक है, उसके अलावा कोई सा भी एंगल चलेगा, उसको मजे लेगा उसमें, लेकिन 0 और 180 पे नहीं चाहिए। समझ में आया, उसके इतने सारे नखरे हैं, 1, 2, 3 नखरा आए नहीं है, नखरा तेरा नहीं, साइंटिस्टों को मार डाले। चल ठीक है, आगे दूसरे केस की बात कर लें। दूसरा केस क्या होगा, इफ आई पुट द थीटा इक्वल टू 90 और 270, बोथ पे देखेंगे, दोनों अलग अलग केस बनेंगे, तो दिस विल बी एफ बी इक्वल टू क्यू वी पी एज साइन थीटा साइन 90 इज इक्वल टू 1। लेट मी राइट साइन 90 इक्वल टू 1 एंड हियर एफ बी इक्वल टू माइनस क्यू वी बी एज साइन 270 इक्वल टू माइनस वन। हाँ या ना, हाँ बिल्कुल, ना तो कहते ही नहीं, ना तो कहना ही नहीं है, ना तो अभिशाप है कहना। ओके, राइट नाउ यू कैन सी द मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। ये बात अलग है कि फोर्स की डायरेक्शन दोनों टाइम अलग अलग होगी, इसका मतलब आप इसको मिनिमम नहीं बोल सकते, दिस इज ऑल्सो मैक्सिमम बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, इसका वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि उससे परपेंडिकुलर होगी। ओके, याद रखना ये चीज भी। तो व्हेन पार्टिकल व्हेन चार्ज पार्टिकल नहीं चार्ज व्हेन चार्ज मूविंग या मूविंग नहीं मूव्स मूव्स परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर ही होंगे, 90 और 270 दोनों परपेंडिकुलर होंगे, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन मैक्सिमम फोर्स विल एक्ट ऑन द पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल पे मैक्सिमम फोर्स एक्ट होगा उस टाइम, उससे मैक्स फोर्स नहीं होगा। अच्छा, एक इनसे अलग हटके एक चीज़ और पढ़ लो, एक चीज़ और याद कर लो कि मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी ऑल्सो। इट डजेंट मैटर दैट बी एंड वी आर परपेंडिकुलर, इट डजेंट मैटर, इट ये मैटर ही नहीं करता। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं अपना, लेकिन एफ जो होगा वो बी से भी परपेंडिकुलर होगा और वी से भी परपेंडिकुलर होगा हमेशा। ठीक है, हमेशा होगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट की यही खासियत होती है, याद रखना कि जो प्रोडक्ट आता है वो दोनों से क्या होता है, परपेंडिकुलर, तीसरे प्लेन में होता है वो। ठीक, तीसरे प्लेन में, जैसे कि आपको दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, कैसे था, अच्छा ये वाला हाथ था, सॉरी ऐसे था ना, ऐसे ये तरफ, तो ये देखो बी ऐसे, वी ऐसे, वी कैसा भी है लेकिन ऐसे, वी ऐसे भी हो सकता है, 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 लेकिन एफ ऐसे ही रहेगा। ओके, तो समझ में आपको, ये सारी कहानी बेसिक फॉर्मूले पे है, ये सबसे बेस फॉर्मूला है क्यू वी बी साइन थीटा, आपको याद रहना चाहिए, हो जाएगा याद,
अच्छी बात है, हटा दूं। चलिए इसके बाद हमें पढ़ना है लॉरेंज फोर्स, और आज की कहानी तो यहीं रोक देंगे, लेकिन अभी कल भी इसी की कहानी चलेगी जब हम देखेंगे इसका स्पाइरल फॉर्म। ओके, किसी चार्ज को क्या होगा उस पर, लेकिन उससे पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज एक साइंटिस्ट था, ठीक है, वो एक साइंटिस्ट था और वो थोड़ा दिमागदार था, चला उसने कुछ ऐसा नहीं करा, हालांकि यहाँ पे की बात कर रहा हूँ, आगे की बात अलग है और कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए उसने, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं करा उसने कि जो बोला जाए अरे बाप रे क्या कांड कर दिया। आप खुद अपने आप कॉमन सेंस लगाओ। ओके, चार्ज है मैग्नेटिक फील्ड में है, ठीक है, ओके। क्या इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होगा, स्टैटिक फोर्स नहीं होगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड भी कौन प्रोड्यूस कर रहा होगा, कोई मूविंग चार्ज होगा ना, देयर विल बी अ मूविंग चार्ज दैट प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड, इज इट ट्रू और नॉट। हाँ, मतलब एक मूविंग चार्ज हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन है तो वो चार्ज, इसका मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना रहा होगा, हाँ या ना, इसका मतलब इस चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा होगा। बस यही कांड करा उसने कहा लॉरेंज ने, उसकी थ्योरी आप खुद लिख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड नेवर एक्ट अलोन, ओके, नेवर कम्स अलोन, ठीक है, देयर शुड बी अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल व्हेन इट इज अंडर गोइंग द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कभी भी अकेले प्रोड्यूस नहीं की जा सकती, वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ चलती है, वो बात अलग है इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है, यहाँ पे अभी ये मत सोचना कि पैरेलल हैं दोनों, ओके, ये मैटर नहीं रखता, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही आती है, याद करना ये चीज़। लॉरेंज ने यही बताया कि हमेशा चार्ज जो भी होगा वो मूव कर रहा है नहीं कर रहा है, उस पे यदि वो चार्ज है तो उस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लग ही रहा होगा मैग्नेटिक फोर्स के साथ, ठीक है, उसने ये बोला, बस उसने टोटल फोर्स निकाल दिया जिसको उसने बोला FL लॉरेंज फोर्स क्यू इंटू ई, ये था, प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस पी, ये था, समझ में आया, दिस इज द लॉरेंज फोर्स, ठीक। ये जीरो हो सकता है लेकिन ये कभी जीरो नहीं होगा, ये कभी जीरो नहीं होगा, यदि यहाँ पे बी है तो वी क्रॉस बी माइट भी पॉसिबल जीरो हो जाए, है ना, इफ देयर इज बी देन देयर विल बी ई ऑल्सो, जहाँ राम भैया जाएंगे वहाँ लक्ष्मण भैया तो पहले पहुँचेंगे, समझे, जहाँ राम भैया नहीं वहाँ पे लक्ष्मण भैया हो सकते हैं, सुन लो ध्यान से, कि जहाँ राम भैया नहीं वहाँ पे लक्ष्मण भैया हो सकते हैं, लेकिन जहाँ राम भैया हैं वहाँ लक्ष्मण भैया को तो होना ही पड़ेगा, ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया होगा, है ना, हाँ, तो बस यही आज की कहानी यही ख़त्म करते हैं, कल को कुछ एडवांस के क्वेश्चन भी करा दूँगा, ओके, तो आज यही रुक जाते हैं, है ना, थैंक यू एवरीवन।